और अब वक्त हो गया हमारी खास पेशकश दर्दे किसान देखिए हिंदुस्तान। जी हां, सरकार का दावा था कि 2022 तक किसान की आय दोगुनी हो जाएगी, लेकिन ये दावा सिर्फ दावा ही साबित हो रहा है। हम 2023 में हैं, लेकिन किसानों की हालत में जरा भी बदलाव नहीं आया है। हर गुजरते साल के साथ किसानों की हालत खराब हो रही है। इन दिनों प्याज के गिरते रेट से किसान बेहद परेशान हैं। मंडी में किसानों को प्रति किलो प्याज पर 2 रुपए से कम कीमत मिल रही है। महाराष्ट्र में ऐसा ही एक मामला सामने आया है। यहां 60 बोरी यानी 3 टन प्याज बेचने के बाद भी किसान को खुद की तरफ से दुकानदार को 986 रुपए अलग से देने पड़े। देखिए हमारी ये रिपोर्ट, जिसे देखने के बाद आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि आखिर कब बदलेगी किसानों की हालत। रूठ गई किस्मत, मौज में है हुक्मरान, किसान है परेशान, लेकिन आला हुजूर फीता काटने में ऐसे मशरूफ हैं कि उन्हें किसानों की आंखों में उतरे आंसुओं से कोई वास्ता नहीं। वही महाराष्ट्र है जहां हर साल किसानों की आत्महत्या के आंकड़े रिकॉर्ड तोड़ देते हैं, और एक बार फिर किसान ऐसे ही मोड़ पर आकर खड़े हो गए हैं जहाँ उन्हें अपनी जिंदगी खत्म करने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नजर नहीं आता। आज हम महाराष्ट्र के अलग अलग हिस्सों का हाल दिखाएंगे, किसानों की एक एक बात सुनाएंगे, खुद किसानों की जुबानी सुनाएंगे, और अब उनके पास क्या रास्ता बचा है वो भी दिखाएंगे। कोई पिता अपने बेटे को अपने हाथों से कैसे मार सकता है? अपनी ही फसल को अपने हाथों से रौंद डालने वाले किसानों के दिल पर क्या बीत रही होगी, ये आप सिर्फ तस्वीर देखकर नहीं समझ पाएंगे। जिस वक्त औरंगाबाद में किसान अपनी फसल खुद अपने ही हाथों बुलडोजर से रौंद रहे थे, उस वक्त सरकार क्या कर रही थी, अब जरा वो भी देख लीजिए। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे रत्नागिरी में थे, पुलिस वालों को 4-व्हीलर और 2-व्हीलर बांट रहे थे। ठीक उसी वक्त महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस सोलापुर में मौजूद थे। सोलापुर में वो डेवलपमेंट कॉरपोरेशन का उद्घाटन कर रहे थे। काश सीएम हो या डिप्टी सीएम, कोई किसानों की हालत भी देख और समझ लेता, लेकिन फीता काटने से सरकार के आला हुजूरों को फुर्सत कहाँ है। इसलिए हमने ही फैसला किया, क्यों न किसानों की बात सीधे सीएम और डिप्टी सीएम तक पहुँचा दे। जानेवारी महिन्यात मध्ये कांदा लागवड केली होती, जी का दिवा फेब्रुवारीमध्ये केली होती, आणि जो जो काढणीला जो कांदा आडला आलेला होता त्यावेळेस गारपीट आणि पाऊस जास्त झाल्यामुळे काय आलं एकदम म्हणजे नुकसान झालेलं आहे। पण त्या आशाला सोडता मी तरी पण म्हटलं टिकन दुकाना तरी पण मजुरीन काढून घेतला, जवळपास 20,000 तो खर्च आला त्याला, तरी पण ते पोळ मारले वगैरे पण ते किसानों को इस प्याज की लागत से पैसे मिलना तो दूर, जेब से ही व्यापारियों को पैसे देने पड़ रहे। औरंगाबाद में एक किसान ने प्याज की सही कीमत ना मिलने से परेशान होकर अपने 3 क्विंटल प्याज पर जेसीबी चला दिया। महाराष्ट्र में शिंदे फडणवीस सरकार जब कई योजनाओं का शिलान्यास कर रही थी, बड़े बड़े हाईवे का उद्घाटन कर रही थी, लोक लुभावन घोषणाओं की बरसात कर रही थी, उसी महाराष्ट्र के अन्नदाता किसानों की ये तस्वीर जरा देख लीजिए। महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा कुख्यात है बीड, जहां किसानों की आत्महत्या हर साल रिकॉर्ड तोड़ देती है। उसी बीड जिले के नागपुर बुद्रुक गांव के किसान फूलचंद सिंघल ने बड़ी मेहनत से इस बार अपने 1.5 एकड़ में प्याज की फसल लगाई। पिछली बार सोयाबीन की फसल ने धोखा दे दिया, खेती करने की हिम्मत नहीं बची थी, फिर भी फूलचंद ने साहूकार से कर्ज लेकर बुआई की। प्याज की फसल निकालने तक 70,000 कर्ज हो गए, फसल भी अच्छी और दमदार निकली। फिर फूलचंद ने सोचा उसे अच्छे दाम मिल जाएंगे तो साहूकार का कर्ज चुका देगा, इसलिए उसने अपनी 60 बोरी प्याज सोलापुर के सिद्धेश्वर मार्केट लेकर पहुंच गए और वहां बेचने की कोशिश की। वहां किसान के प्याज को 50 पैसे से लेकर 1.5 रुपए का भाव मिला। जब हिसाब हुआ तो फूलचंद हिसाब की रसीद मांगने गया और एक पर्ची उसके हाथ में आई जिस पर लिखा था कि उसे तो कोई पैसे नहीं मिलेंगे, लेकिन उल्टा उसे 986 रुपए देना ही पड़ेगा। तीन भावाचं कुटुंब, आई वडील, आम्ही त्या 1.5 एकर शेतीवर आम्ही आपलं उत्पन्न वितमन करून आम्ही आपलं जगण्याचं साधन आहे आमचं ते। पण काय कारण असतात, आम्ही सुरुवातीला लागवडीस टायमाला सोयाबीन केला, सोयाबीन केल्यानंतर सुरुवातीला शेवट परतीच्या पावसाने 2 महिने लावून धरलं, त्यामध्ये सोयाबीनचं पीक पूर्ण नष्ट होऊन बघेलं,
त्यानंतर म्हणलं आपलं आता सोयाबीनचं पीक झाल्यानंतर म्हणलं आता इथं गेलंच पीक म्हणलं आपलं कांदा करावा मिळून जर म्हणलं तर खूप खर्च आला त्याचा. परत तिथून तिकून हे केलं, परत मध्ये धुई यायची, महागमालाचे औषधं आणायचे, महागमालाचे औषधं फवारायचे, औषधं फवारून त्याला हिकून तिकून कसं तरी बचवलं, हिकून तिकून बचवलं. परत मग हे परत अवकाळी आलं, अवकाळीमध्ये ते गारपीट झालं, त्यामध्ये कांद्याचं भरपूर नुकसान झालं, कांद्याचं नुकसान झालं. हिकून तिकून आमच्या कसं तरी नुकसान होऊन बी आम्ही 50-60 पिशवी आपली काढली कांद्याची. काढायला भरपूर खर्च आला, बाया गेल्या, लेबर गेलं, सावकाराचे पैसे काढून हिकून तिकून आम्ही कसं कांदा काढून घेतला. काढून घेतल्यानंतर सोलापूरला आम्ही कांदा घेऊन गेलो तो सिद्धेश्वर मार्केटला. अब एक नजर देख लीजिए कि आखिर जिस वक्त पर एक किसान को हजारों हजार का मुनाफा मिलना चाहिए उसे फसल पर उल्टा पैसे क्यों देने पड़ रहे हैं. 25 बोरे प्याज का 1.5 रुपए प्रति किलो भाव मिला, दूसरे 25 बोरे प्याज की कीमत 50 पैसे प्रति किलो का भाव मिला, उसके बाद 10 बोरे प्याज की कीमत मिली 1 रुपए प्रति किलो, यानी कुल 60 बोरे प्याज के मिले 2,871 रुपए. अब किसान के कितने पैसे खर्च हुए, प्याज की बिक्री के लिए गाड़ी किराए पर लिया, बदले में देने पड़े 3,400 रुपए, आड़ती हमाली और ढुलाई 230 रुपए लग गए, आड़ती तोलाई यानी फसल को तोलने में 137 रुपए का खर्च आया, इसमें उसकी कुल मजदूरी खर्च हुई 90 रुपए, कुल खर्च हुए 3,875 रुपए, कुल 2,919 किलो प्याज बेचकर फूलचंद को मिले 2,871 रुपए, उसमें से खर्च हो गए 3,857 रुपए. इस तरह कुल 60 बोरी प्याज बेचकर किसान को उल्टा 986 रुपए व्यापारी को देने पड़े. औषधी कुंती कुन आन ले तेज के पुनः कांदा काढा आला, कांदा का बाया तर एक भेटत नाही था, इकून तिकून भेटल्या तर 2-4 दिवस 30-30 बाया होत्या, तर तितक्या बायाचे तितके किती पैसे झाले. आता तितक्या बायाचे पैसे कसे द्यायचे, कांदा काढला न्याला 60 गोण्या भरल्या न्याला म्हणलं कांद्यावर पैसे द्या येते ना, तर कांद्याचा रुपया बी नाही आला, रुपया नाही येता बी पावती मागाय गेलं तर तिथंच पावतीला म्हणजे 900 रुपये तुम्हीच भरा. कमोबेश यही हाल मराठवाड़ा के दूसरे जिले छत्रपति संभाजीनगर के सुल्तानपुर के किसान किशोर वेताल का है. किसान किशोर ने अपने 2 एकड़ की खेत में प्याज लगाए थे, इसमें 1,25,000 रुपए की कुल लागत आई. प्याज की पैदावार 300 क्विंटल हुई, लेकिन प्रति किलो 3 रुपए के भाव पर प्याज बेचने को वो मजबूर हो गए. अंत में किसान किशोर वेताल ने अपने पूरे 300 क्विंटल प्याज पर जेसीबी चलाकर अपना गुस्सा जाहिर कर दिया. 2 एकड़ जानेवारी महिन्यामध्ये कांदा लागवड केली होती, जी का दिवा फेब्रुवारीमध्ये केली होती, आणि जो काढणीला जो कांदा आलेला होता त्यावेळेस गारपीट आणि पाऊस जास्त झाल्यामुळे काय आलं एकदम म्हणजे नुकसान झालेलं आहे. पण त्या आशयाला सोडता मी तरी पण म्हणलं टिकन दुकाना तरी पण मजुरून काढून घेतला, जवळपास 20,000 रुपये खर्च आला त्याला, तरी पण ते पोळ मारले वगैरे पण ते ये उत्तर महाराष्ट्र के जलगांव जिले के बिचवे गांव के किसानों की तस्वीर है. यहां सिर्फ प्याज के किसान ही नहीं बल्कि कपास के किसान भी मार्केट में से कीमत ना मिलने की वजह से परेशान है. कपास और प्याज की सही कीमत ना मिलने से परेशान होकर लोगों ने कपास और प्याज सड़क पर फेंक दिया, शिंदे और फडणवीस सरकार के खिलाफ नारेबाजी की. किसान चाहे देश के किसी राज्य का हो या फिर महाराष्ट्र का, उसे हमेशा लगता है कि उसके राज्य में जो सरकार काम कर रही है वो हमेशा उसकी सुध ले, या फिर किसान को लगता है कि अगर सरकार उनकी बात नहीं सुन रही है तो विपक्ष ही उनका आखिरी सहारा है. लेकिन महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में जो विपक्ष है महाविकास आघाड़ी, वो फिलहाल 2024 के सीट शेयरिंग को लेकर एक दूसरे के साथ भिड़ते हुए नजर आ रहे हैं और किसानों की सुध लेने को कोई भी तैयार नहीं है. महाराष्ट्र सरकार की बात करें तो महाराष्ट्र सरकार भी अब नए नए विकास कामों के उद्घाटन और नई नई घोषणा में उलझा पड़ा है. ऐसे में महाराष्ट्र का किसान परेशान है क्योंकि उसकी फसल को सही दाम नहीं मिल रहा और किसान आत्महत्या की कगार पर पहुंच चुका है. विनोद जगदाले, न्यूज 24, मुंबई. एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, देखते रहिए न्यूज 24.